हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए मार्च मंथ की यहाँ पे करंट अफेयर्स है हमारी, और ये इन्वायरमेंट की है जो कि अब थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। तो विजन आइज़ की करंट अफेयर्स से ही मैं यहाँ पे आपको डील कर रही हूँ, और जितनी भी आपकी टॉपिक्स है वो मैं विजन आइज़ के ही यहाँ पे आपको डील कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके लिए आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, प्ले लिस्ट में देखिए, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग जितनी भी लेसन है उसकी इन्जॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं कि इन्वायरमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है चलेंगे अपनी आर्टिकल्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी दो क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर की पूछूंगी, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो पाएगा कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो किस तरीके की क्वेश्चंस पूछी गई है और आपको किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि है, इसमें पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर आपको कोरल रीफ देखने को मिलेंगे। लास्ट लेसन में हम लोग कोरल रीफ के बारे में देखे थे, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम लोग कोरल रीजनरेशन के एक टॉपिक पढ़े थे, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुकी है। तो देखिए कोरल रीफ के बारे में कैसा पूछा जा रहा है, तो एकदम बेसिक सा फैक्ट्स पूछा जा रहा है ना कि आपको इंडिया में एक्चुअली अगल बगल पता होना चाहिए कि कोरल रीफ कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सो अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, या फिर आपकी सुंदरबंस। तो आपको बतानी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, कोरल रीफ के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ज़रूर आंसर बताइएगा। फिर हम लोग जो है अभी पहले क्वेश्चंस देख लेते, फिर आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि पोचिंग के अलावा भी इसमें से कौन से फॉलोइंग रीजंस है जिसके कारण गैंगेस जो रिवर डॉल्फिन है ना, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, डॉल्फिन हो, घड़ियाल हो, आपकी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो। क्रोकोडाइल की देखिए तीन आपकी प्रजाति है जो कि आपकी यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक तो आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे, एक आपको मगर क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे, और एक आपका कौन सा हो जाता है, घड़ियाल। तो ये तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी जो स्टेटस वगैरह है IUCN की, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे है कि यहाँ पे गैंगेस रिवर डॉल्फिन के पॉपुलेशन जो कम हो रही है वो कौन कौन से यहाँ पे पॉसिबल रीजंस है अदर देन पोचिंग। फर्स्ट है कि डैम्स और जो बैरेज की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है रिवर में, ये है। सेकंड है कि पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल रिवर में बढ़ रही है। थर्ड है कि यहाँ पे जो फिशिंग नेट है एक्सीडेंटली वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। फोर्थ है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से या फिर दूसरे एग्रीकल्चर केमिकल के इस्तेमाल से जो कि क्रॉप फील्ड में हो रही है, ये आपको देखने को मिलेगा, इसके कारण जो है यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे आप लोग प्लीज़ इसको पॉज कीजिए, पहले आंसर दीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आंसर बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चंस की देख लेते हैं। कोरल रीफ की अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आइए सुंदरबन। सुंदरबन में आपको क्या देखने को मिलता है, सुंदरबन में आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलती है जो कि वेस्ट बंगाल वाली रीजन है। ठीक है, तो ये मैंग्रोव्स होती है। तो फोर्थ पॉइंट तो आप लोग ऐसे भी कट कर सकते हो, जहाँ जहाँ फोर्थ है आप एलिमिनेट कर दो। अब इससे पता चल रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है। गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन जो कि आपको गुजरात वाला रीजन देखने को मिलेगा, तो गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन में भी यहाँ पे आपको कोरल रीफ मिलते है। सो यहां पे करेक्ट आंसर हमारी हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं यहाँ पे घड़ियाल की, सॉरी गैंगेस रिवर डॉल्फिन की बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि डैम्स और बैरेज की कंस्ट्रक्शन जो रिवर में होती है ना, उससे थोड़ा यहाँ पे डॉल्फिन के पॉपुलेशन को थोड़ा कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ये वाली बी ऑप्शन कट कर दीजिए। सेकेंड आप लोग देखिए कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से ये डॉल्फिन का क्या लेना देना है, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि क्रोकोडाइल की अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे डॉल्फिन को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसे ही बस लिख दिया गया है, इसको आप एलिमिनेट करो और डायरेक्ट आप आंसर तक पहुँच गए। तो ये एक ट्रिक होता है जिससे कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आपको यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पता हो या ना पता हो, आपकी तो यहाँ पे बात बन गई है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड है कि फिशिंग नेट में वो एक्सीडेंटली फंस जाते हैं, जो कि हम लोग भी देखे थे कि ये भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो कि एग्रीकल्चर ये सब केमिकल्स यूज होते हुए क्या होता है ना कि इरिगेशन वाले से आपका रन ऑफ होते होते वाटर जो है वो यहाँ पे रिवर में भी मिल जाती है, जहाँ पे इस तरीके के आपके गैंगेस वाटर रिवर डॉल्फिन मिलते हैं, तो उनको यहाँ पे पॉपुलेशन में जो है उनकी प्रॉब्लम होती है और वो यहाँ पे जो है किसी भी तरीके से वो उनका डेथ हो जाता है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। सो दीज आर द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, सो फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है। अब आइए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट की है। तो यहाँ पर टॉपिक है कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मींस कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, इट मींस कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, ऐसी बिल्डिंग बनानी है, ऐसे डैम्स बनाने हैं, ऐसे रोड्स वगैरह बनाने हैं या फिर ऐसे ब्रिज वगैरह बनाने जो कि किसी भी तरीके की अगर डिजास्टर आती है ना, चाहे वो साइक्लोन हो, अभी आप लोग देख रहे हो कि जो साइक्लोन आई है एम्फन साइक्लोन, उसके कारण कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो सुपर साइक्लोन थी तो इसलिए उसका नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह टूट गए, घर वगैरह उखड़ गए, इवन पेड़ भी उखड़ गए हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिली। तो हम लोग को ऐसी बिल्डिंग बनानी है, ऐसी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएट करना है कि अगर कोई भी तरीके की आपके डिजास्टर आए, चाहे अर्थक्वेक आए, साइक्लोन आए या फिर आपकी कोई भी तरीके के आए, तो यहाँ पर जो है उससे हम लोग बच सकें। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूके ने यहाँ पर कन्फर्म करी है कि वो फर्स्ट को चेयर करेंगे गवर्निंग काउंसिल का, वो भी इंडिया जो लीड करी है ग्लोबल कोएलिशंस फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इसको CDRI कहा जा रहा है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अनाउंस किया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं। और ये जो अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 की, जो कि USA में हुई थी, और पहली बार जो है एक आइडिया कब निकल कर आया, तो 2016 में निकल कर आया। इनॉग्रेट जो किया गया था वो एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में है, तब उस समय इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था। अब इसके कुछ और फाउंडिंग मेंबर्स देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव्स, मेक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका और यूके। तो इतने कंट्रीज इनके मेंबर कंट्रीज है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये समझिए, ये एक वॉलेंट्री इंटरनेशनल आपकी ग्रुपिंग है, यानी कि जिस कंट्री को मन करता है वो कंट्री यहाँ पे आकर जुड़ सकती है। गवर्नमेंट को यहाँ पे लिंक किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ हैं, कुछ बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर ग्रुप्स हैं, एकेडमिया है, जो कि यहाँ पे रेजिलिएंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम है उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए आएंगे, जो कि क्लाइमेट को देखते हुए और डिजास्टर रिस्क से बचते हुए, ठीक है। ये सेकेंड मेजर कोएलिशन लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा और ये यूनाइटेड नेशन के बाहर है। जब पहली बार आप देखोगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको ISA भी कहा जा रहा था, वो ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करी है और इसकी सेक्रेटेरिएट जो है न्यू दिल्ली में है, और इसमें टोटल मेंबर आज तक कितने हैं, तो 80 यहाँ पे मेंबर नेशन हो चुके हैं। जब स्टार्टिंग में इसको इनॉग्रेट किया गया था तो ये फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ मिलकर किया गया था ISA का, लेकिन पहली बार जो इनकी नींव रखी गई थी वो 2015 में ही रखा गया था, जब उस समय पेरिस क्लाइमेट हो रही थी तब, ओके। और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितने भी कंट्री है ना, वो उसके मेंबर नेशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना उसकी हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जो कंट्री मेंबर कंट्री रखा गया था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में रखा गया था। लेकिन फर्दर क्या है कि इसको जो है और एक्सपेंड कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड भी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। CDRI की बात करूं तो यहाँ पे जो भी टारगेट रखा गया है मेंबर कंट्रीज़ के लिए, वो इसको सेट किया जाएगा जिससे कि जो डिजास्टर डेथ होती है, जो भी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे अभी एम्फन साइक्लोन आई तो इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, 70 लोग्स की यहाँ पे डेथ हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए, इस डेथ को कम करना है। इकोनॉमिक लॉसेज कम हो, यानी कि आप लोग देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बहुत ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट लॉसेज होती है, इकोनॉमिक लॉसेज होती है। साथ ही यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो अचीव करना है उसके लिए हम लोग को ये काम करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो सिंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रेजिलिएंट के लिए, उसको भी हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। तो अब आगे और देखते हैं, जो गवर्निंग काउंसिल है वो यहाँ पे हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है CDRI की, और को चेयर जो इसको किया जा रहा है वो इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसके रिप्रेजेंटेटिव आप देखोगे तो दूसरे भी यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट है, जिसको यहाँ पे रोटेशन यानी कि 2 साल में रोटेशन के हिसाब से जो है उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। जो रोड मैप है वो यहाँ पे कोएलिशंस के लिए ग्रुप यहाँ पे जो है ना वो क्या क्या देखेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाती है ना उसके देखा जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई भी तरीके का डिजास्टर आती है, चाहे आपकी साइक्लोन आ जाए, चाहे आपकी जो है अर्थक्वेक आ जाए या फ्लड आ जाए या फिर ड्रॉट आ जाए, तो ये सारे डिजास्टर आते हैं, तो क्या उस समय इस तरीके की जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जा रही है वो कितना टिकेगी, तो इसको एक्सेस किया जाएगा। इंप्रूवमेंट देखा जाएगा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की स्टैंडर्ड का कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, उसको टाइम टू टाइम रेगुलेट भी किया जाएगा। साथ ही रोल ऑफ फाइनेंस जो है ना वो यहाँ पे देखा जाएगा कि फाइनेंस का कितना रोल है, कि जिसके थ्रू हम लोग डिजास्टर रेजिलियंस यानी कि डिजास्टर से बर्दाश्त करने वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे उसमें फाइनेंस का कितना रोल है। मैकेनिज्म यहाँ पे देखा जाएगा जिसके थ्रू हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकवरी जो है उसको भी सपोर्ट करेंगे।
और साथ ही साथ जो ग्रुपिंग है ना वो यहाँ पे कोलैबोरेटिव रिसर्च को सपोर्ट करेगी, नॉलेज शेयरिंग होगी, साथ ही म्यूचुअल यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस होंगे जितने भी कोलिशन पार्टनर हैं। और ये यहाँ पे आपका जो है मेनली ये फोर एरिया से ही होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या क्या काम है, रिस्क असेस करना है, इंप्रूवमेंट करना है, साथ ही फाइनेंस का क्या रोल है और मैकेनिज्म लेकर चलना है। तो ये चार ऐसे एरिया है जहाँ पे यहाँ पे आपका टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे CDRI और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, लेकिन CDRI जो है ना ये कम्प्लीटली आपका देखने को मिलेगा, ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है ISA के एफर्ट का। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि दोनों जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है। ISA में क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाएगा, और CDRI क्या है कि यहाँ पे एक डिजास्टर रिजिलियंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी। ISA की बात करूँ तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या यहाँ पे उपयोग करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग जो है काम करेंगे। डिप्लॉयमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को, जिससे कि जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स का जो हम लोग जिस पे फॉसिल फ्यूल्स पे हम लोग डिपेंड है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को कंबशन से जो है ना बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एकदम खतरनाक गैसेस निकलती है, जिसके कारण को ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रही है और उसी के कारण हमारे क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को ब्रिंक डाउन करना है, यानी कि कम करनी है, साथ ही हमारे ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशंस को भी कम करनी है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करनी होगी, और रिन्यूएबल एनर्जी वही कंट्री शिफ्ट कर सकती है जहाँ पर सोलर एनर्जी की अवेबिलिटी ज़्यादा है। CDRI की बात करूँ तो वो यहाँ पे जो है ना क्लाइमेट चेंज को अडाप्ट कर रही है, जो भी यहाँ पे ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ली जाएगी। इंडिया होस्ट कर रही है ISA को, इसके हेडक्वार्टर आपको गुड़गांव को में देखने को मिलेगा। CDRI की यहाँ पे सेक्रेटेरिएट जो है ना वो भी न्यू दिल्ली में है, और इसको सपोर्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा। इन दोनों इनिशिएटिव से आप देखोगे कि इंडिया जो है ना एक लीडरशिप रोल लेकर आ रही है पूरे ग्लोबल लेवल पर, यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है हम लोग भी यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो है ना एक लीडरशिप रोल लेकर आ रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्लाइमेट चेंज में इंडिया की क्या रोल है, वो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, तो आप ये दोनों का जिक्र तो है एकदम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं कि डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत देर तक स्टैंड कर सके, अगर कोई भी तरीके की नेचुरल डिजास्टर आती है ना तो उसमें ह्यूज डैमेज होने से जो है वो बच सके, इसको हम लोग डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं। इसमें आपकी स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स दोनों आती है। स्ट्रक्चर मेजर्स की बात करें तो इसमें ये है कि इंजीनियरिंग की जो डिज़ाइन है उसको एडजस्ट करना होगा, जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड है उसको देखना होगा, और स्टैंडर्ड किस तरीके से लेकर आना है कि फ्लड कंट्रोल सिस्टम हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है फ्लड से अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई बार आप देखते हो कि इमारतें ढह जाती है अगर पानी में बहुत देर तक वो इमारतें अगर बनी रहती है तो वैसा ना हो सके। एम्बैंकमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। बहुत समय आप देखते हो कि ऐसे ऐसे लंबी लंबी दीवारें होती हैं जो कि पानी के भर जाने से फ्लड अगर बने रहती है तो क्या होती है कि धीरे धीरे रिस्क ये दीवारें भी टूट जाती है। सी वॉल जो होते हैं वो रिहैबिलेट कर सके, यानी कि सी के बगल में जो लंबे लंबे दीवारें होते हैं ना उनको बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपका रिहैबिलेट करना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। बिल्डिंग भी अच्छे तरीके से बनानी है जो कि अगर कोई भी तरीके की रिस्क आती है तो उसको यहाँ पर टैकल कर सके। नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स क्या है कि यहाँ पर रिस्क सेंसिटिव प्लानिंग करनी है। पहले समझना है कि किस तरीके की रिस्क आ रही है, उसी को देखते हुए एनालाइज करनी है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान करना है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यहाँ पर अनेबल करनी है। हैजार्ड को मैप करना है, यानी कि किसी भी तरीके की अगर हैजार्ड आ रही है तो उसको यहाँ पर मैप करना है। जैसे अभी एम्फन आई तो इससे आप एक्सेस कर सकते हो ना, इससे आप जो है एनालाइज भी कर सकते हो कि अच्छा ठीक है इस तरीके की सुपर साइक्लोन आती है तो कितने मात्रा में यहाँ पे क्षति होती है, पब्लिक और प्राइवेट लॉसेस कितना होता है, ह्यूमन बींग की कितनी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो है मैपिंग करना है, इकोसिस्टम बेस्ड यहाँ पे मैनेजमेंट करनी है और डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग भी देनी है। यानी कि एक अंदाज़ा लग जाता है, जैसे कि PM मोदी जी जो है वो कल आपके भ्रमण में गए, यानी कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में, देखे कि कितना ज़्यादा क्षति हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या करी कि 1500 करोड़ जो है उन्होंने यहाँ पर रिलीफ दी, यानी कि वो जो जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने 1500 करोड़ जो है वो दी है। ठीक है, 1000 आई थिंक कि वेस्ट बंगाल को मिला है और 500 करोड़ जो है वो आपकी उड़ीसा को मिली है, शायद ऐसी कुछ है, आई एम नॉट सो श्योर। तो अगर यहाँ पे कुछ मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसको करेक्ट कर दीजिएगा। ओके, तो रिसेंट वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड अगर डिजास्टर देखें तो 66% पब्लिक सेक्टर लॉसेज होती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज से ही रिलेटेड है। क्योंकि ऑब्वियस है, आप लोग देखते हो कि पिलर्स टूट जाते हैं, रोड टूट जाती है, कई जगह के रोड जो है दरार आ जाते हैं, कई बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, इवन जो आपकी यहाँ पे ब्रिज वगैरह है वो भी टूट जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज लॉस देखने को मिलता है। इसलिए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना लोगों के वेलबींग के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे प्रोवाइड करेगी और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी काफी ज्यादा बचे रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है लिविंग एंटिटी। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा एक न्यू चीजें देखने को मिलेगी और मीन्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, तो लिविंग एंटिटी कहने का क्या मतलब है और ये है क्या, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। न्यूज़ में क्यों है,
क्योंकि पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है ना, उन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर करी है कि जो सुखना लेक है चंडीगढ़ में, वो एक लिविंग एंटिटी है, लीगल पर्सन है, इनके पास राइट है, ड्यूटीज है, लियाबिलिटी है कि वो लिविंग पर्सन जैसा रहे। यानी कि लीगल, यहाँ पे लिविंग एंटिटी कहने का मतलब है कि जैसे एक इंडिविजुअल, जैसे मैं हो गई, आप हो गए, कैसे आप लोग जो है बींग ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आप कैसे लाइफ लीड कर रहे हो, आपके पास राइट है, फंडामेंटल राइट है, साथ ही साथ आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है जो कि आपको यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, और साथ ही साथ आपको सारी फ्रीडम भी दी गई है। आपके पास जो है ना बहुत तरीके की, अगर आपका इंक्रोचमेंट होता है राइट्स का, तो आप दौड़ के जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। तो बस यही लिविंग एंटिटी का जो यहाँ पे आपका फंडा है ना, ये किसको दिया गया है, तो सुखना लेक को दिया गया है चंडीगढ़ में। और देखते हैं डिटेल में, ये जो कोर्ट है ये ऑब्जर्व करी है कि जो सुखना लेक है ना, इसको यहाँ पर ज़रूरत है कि लीगल एंटिटी जैसा यहाँ पर डिक्लेयर करे। क्यों? क्योंकि इनके सर्वाइवल के लिए, इनके प्रिजर्व करने के लिए और इनको कंजर्व करने के लिए, यानी कि इस तरीके के लेक को, झील को बचाने के लिए जो है इनको यहाँ पर लीगल एंटिटी का दर्जा दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी डिक्लेयर किया जा रहा है कि जो चंडीगढ़ के सारे लोग हैं ना, वो यहाँ पे लोको पेशे पेरेंटीज हैं, यानी कि इन प्लेस ऑफ ए पेरेंट, कि वो यहाँ पे इस तरीके के लेक को ख़त्म होने से, एक्सटेंट होने से बचा सके। जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनको भी यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कि वो इसको वेटलैंड भी डिक्लेयर करें विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ में इसको वेटलैंड डिक्लेयर करना है। स्टेट ऑफ पंजाब और जो हरियाणा है ना, वो यहाँ पर फेल हो चुके हैं इस तरीके का प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के, जिससे कि वो सुखना लेक के जो कैचमेंट एरिया है उसको बचा सके, और उनकी यहाँ पर ड्यूटी है कि इस तरीके के कैचमेंट एरिया को वो रिस्टोर कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर उनको बाउंड किया गया है कि वो यहाँ पे एग्जेम्प्लरी जो पेनल डैमेजेस है उसको वो पे करे, वो भी यहाँ पे पॉल्यूटर पेस के डॉक्ट्रिन के अधीन। यानी कि यहाँ पे जो है ना, उस सिटी में आपकी आ रही है, जैसे चंडीगढ़ के अंदर आपको इस तरीके का लेक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे सरकार का पूरी तरीके से एक दायित्व होता है कि वो इस तरीके के जो लेक्स है ना, उसको बचाए, उसको कंजर्व करे, प्रिजर्व करे। अगर वो इसको नहीं कर पा रहे, उसको अगर फेल हो गए इस तरीके से प्रिजर्व करने में, तो वहाँ की सरकार को बहुत ज़्यादा जो है पेनल्टी देना पड़ता है, यानी कि उनको पे करना पड़ता है कि आपने नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल नहीं रखा, वो जो है पूरी तरीके से एक्सटेंट हो गए, तो इसके लिए भरपाई भी करना पड़ता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं पॉल्यूटर पेस। अब आइए थोड़ा सा मैप स्टडी कर लेते हैं। ये है सुखना लेक। तो सुखना लेक है कहाँ? यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सुखना लेक, ठीक है। और ये आपका प्रॉपर कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है, और ये आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, ये पंजाब है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो सुखना लेक का, यहाँ पे आपका पूरी तरीके से ये इसकी कैचमेंट एरिया है, ये रेड आप देखते हो ना, कैचमेंट एरिया मतलब कि कहाँ तक वो एक तो लेक है, लेकिन लेक की आपकी पूरी तरीके से बाउंड्री कहाँ कहाँ आपकी विस्तृत है। तो ये जो आपकी बाउंड्री, आपको कैचमेंट एरिया देखने को मिलेगा, ये हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मैनमेड सुखना लेक है, जिसको कि यहाँ पे सुखना लेक, जो कि 1958 में बनाया गया था, वो भी ली कॉर्पोरेस के द्वारा, एक चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। कहाँ पे है ये? तो शिवाली, शिवालिक हिल है ना, उसी के फुट हिल्स में है ये, और इसको डिज़ाइन किया गया है कि जितने भी वाटर यहाँ पे हिल्स से आपके आते, रन ऑफ होते, तो वो यहाँ पे आपका कलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि सांबर, पेंगोलियन और वाइल्ड बोर्स के लिए ये घर भी है, यानी कि ऐसे स्पीसीज भी इस तरीके के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं, जिसको कि अधिकतर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक कॉमन लॉ ज्यूरिसप्रूडेंस में आप देखोगे तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो आपके होते हैं नेचुरल पर्सन, या फिर हम जैसे ह्यूमन बींग, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि जो आपके रोबोट की चिट्ठी है ना, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, तो ये सारे लोग भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। तो ये हो गए दो तरीके के लोग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्यूरिस्टिक पर्सन, ज्यूरिस्टिशियल एंटिटी, लीगल पर्सन, जो कि नेचुरल पर्सन से अलग होते हैं। यानी तो एक तो हम लोग हो गए, और दूसरे जो आर्टिफिशियल तरीके से जो लोग बनाए जाते हैं, चाहे आप रश्मि कह लो, ठीक है, तो रश्मि कह सकते हो। सऊदी अरेबिया ने भी एक रोबोट क्यों जारी करी थी, जिसको कि उनको सिटीजनशिप का भी दर्जा दिया गया था। तो आप लोग बताइएगा कि उस रोबोट का नाम क्या है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना, अपने अपने तरीके से रोबोट लेकर आ रहे, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो उनका नाम बताइएगा ज़रूर, बहुत फेमस थी, जिनको कि सिटीजनशिप भी दिया गया था उनको दर्जा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा गया आर्टिफिशियल पर्सन भी है, या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन भी है, या फिर जुडिशियल यहाँ पे एंटिटी भी है, या फिर लीगल पर्सन भी है। तो इतने नाम से जो है इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर लीगल इंटिटी, लिविंग इंटिटी देने से जो आप देखोगे कि कौन कौन सी यहाँ पे कंट्री है जो कि पहले भी लिविंग एंटिटीज़ दी गई है, हमारे कंट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड ऐसी फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने वांगोइंग रिवर है उनको यहाँ पे डिक्लेयर करी थी एज अ पर्सन, और इनको यहाँ पे लिविंग स्टेटस का दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, समटाइम्स ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया पहली वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है, तो आप लोग समटाइम्स कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो कि हाँ, हम लोग तो इस तरीके का महान काम करने में तो आगे होते ही है। आप लोगों को पता है कि इंडिया में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर कितना ज़्यादा हो हल्ला होते
ही रहता है। और अभी तो अगर आप लोग अप्रैल मंथ की योजना भी पढ़े होंगे तो उसमें भी हम लोग पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज़ भी करें, तो उसकी एक पार्ट आना बाकी है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसकी भी एक पार्ट मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लास्ट पार्ट आना बाकी है, दो पार्ट आपकी आ चुकी है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि एक बार जाके तो ज़रूर उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस बार अच्छे तरीके से आपकी योजना मैगजीन में दी गई थी। ठीक है, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके योजना प्ले लिस्ट उसमें आके देख सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूजीलैंड हो गई। सेकेंड, अगर 2017 में देखें तो उत्तराखंड की हाईकोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर रिवर गंगा और यमुना को लिविंग एंटिटीज़ दे रखी है। उसके बाद 2019 में पंजाब और हरियाणा ने जो है यहाँ पे लीगल पर्सन और एंटिटीज़ जो है वो एनिमल को दिए थे, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कंट्री में इस तरीके का जो है काम चल चुका है। अब स्टेटस के बारे में देखते हैं कि क्या होता है स्टेटस देने से। तो अब यहाँ पे समझते हैं, लीगल एंटिटीज़ डिक्लेयर करने से जो लेक है ना, उनको उस तरीके का सेम राइट दिया जाएगा जैसे कि लोगों को दिया जाता है। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पे हम लोग को जिस तरीके से राइट दिया जाता है ना, अब वैसे ही यहाँ पे लेक को भी राइट दिया जाएगा। यानी कि जैसे हम लोग की कोई भी राइट को वॉयलेट किया जाता है, या फिर ह्यूमन जस्ट मान लीजिए कि लेक को अगर पॉल्यूट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप लोग ह्यूमन बींग को यहाँ पर हार्म पहुँचा रहे हो। तो हार्म पहुँचा रहे हो तो इसके अगेंस्ट में आपको पेनल्टी दिया जाता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट से। तो इस तरीके का चार्जेस भी अब आपका लेक के ऊपर लगेगा कि अगर आपने लेक को पॉल्यूट करी तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पर पेनल्टी भरना होगा। कोई भी पर्सन जो कि यहाँ पर लोको पैरेंटिस जैसा डिक्लेयर करेंगे, तो उनको यहाँ पर ये करना होगा कि वो यहाँ पे इस तरीके की एंटिटीज़ राइट को प्रोटेक्ट करें। साथ ही यहाँ पे जो है इंश्योर करना होगा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यहाँ पे गार्जियन को भी अपॉइंट करें, यानी कि ये इसी को हम लोग यहाँ पे लोको पैरेंटीज कहते हैं कि इस तरीके के नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी गार्जियन को भी अपॉइंट करें। साथ ही कोई भी फाइन, किसी भी तरीके का फाइन यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा अगर आप इस तरीके के वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हो या फिर डैमेज करते हो। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो भी यहाँ पर आर्गू करते हैं कि जो लिविंग पर्सन की स्टेटस है ना, वो यहाँ पर वाटर बॉडीज़ को अनेबल करती है, और यहाँ पर जो है उनके रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस जो होता है ना, वो यहाँ पे थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने से, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे जो आपका कंस्ट्रक्शन करना है मैटर वगैरह, कुछ भी कंस्ट्रक्शन के मैटर से यहाँ पे आपका जो है जिससे कि इस बॉडी को अफेक्ट पड़े, तो वो सारी चीज़ भी देखी जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे सुखना लेक है, सुखना लेक को यहाँ पे मिल गया लिविंग स्टेटस, यानी कि कहने का मतलब है अब तो ये हमारे जैसे ह्यूमन बींग जैसे राइट जो है वो यहाँ पे जियेंगे। ठीक है, लेकिन इस एरिया में अब कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। अगर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो इसमें जो गार्जियन जिनको बनाया जाएगा ना, वो यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्या कोई डैम बनाना है, क्या कोई यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनानी है, या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो वो पहले यहाँ पे देखेंगे कि कहीं इस लिविंग एंटिटीज़ को जो है किसी भी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो यहाँ पे दूर में कहीं भी आपका जो है इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए अलाउड किया जाएगा। तो ये सारी यहाँ पे जो है इस स्टेटस को देने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका एक बेनिफिट दिखता है। लेकिन चैलेंजेस क्या है, इस तरीके का ऑर्डर तो ईजिली दे दिया जाता है, लेकिन क्या ये इंप्लीमेंट हो पाती है अच्छे तरीके से? तो चैलेंजेस देखते हैं। पहली चैलेंजेस तो ये है कि राइट्स और ड्यूटीज़ को प्रिस्क्राइब कर देने से बिना किसी राइट्स के एम्बिट के, कि क्या क्या राइट यहाँ पे स्पेसिफिकली तो देखना होगा ना, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दें कि एक नेचुरल होते हैं एक आर्टिफिशियल होते हैं, तो नेचुरल के लिए तो ठीक है संविधान में सारी चीज़ें इनपुट दी गई है, लेकिन वॉट अबाउट आर्टिफिशियल? अगर हम लोग किसी को लिविंग एंटिटीज़ दे रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा सा जो है ना उनके राइट्स और ड्यूटीज़ भी यहाँ पर डिफाइन होने चाहिए, लेकिन बिना किसी स्पेसिफाइंग किए हुए, तो इससे क्या होगा कि डिज़ायर जो इम्पैक्ट होगा इस डिसीजन का ना, वो निकाल पाना यहाँ पे मुश्किल होगी। सेकंड, कि क्या ये पॉसिबल है कि जो पर्सन को यहाँ पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, गार्जियन बनाया गया है कि आप इस तरीके के जो लिविंग स्टेटस जिनको भी दिया गया है, जिस बॉडी को भी दिया गया, उसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, और अगर वो नहीं कर पाए सो वॉट? उसके लिए क्या पेनल्टीज वाला प्रोविजन है, क्या रखा गया है, ये सारी चीज़ भी यहाँ पर क्लियर नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पर ये अनक्लियर है कि इन्वायरमेंटल बॉडीज़ को यहाँ पर राइट दिया गया है, तो यानी कि समथिंग अगर उसके बियॉन्ड भी दिया गया है जो ऑलरेडी यहाँ पर ड्यूटीज़ के लिए यहाँ पर ड्यूटीज़ में प्रिस्क्राइब किया गया है, वो भी स्टेट और इंडिविजुअल के लिए, तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे अनक्लियर रखा गया है कि किस तरीके का यहाँ पे ड्यूटीज़ है स्टेट और जो इंडिविजुअल को दिया गया है। स्टेट को जो ड्यूटीज़ दिया गया है वो डीपीएसपी में है, इंडिविजुअल को ड्यूटीज़ जो दिया गया है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। तो इसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पे आपके इन्वायरमेंटल जो बॉडीज़ है उनको राइट दी गई है, तो ये सारी चीज़ें अनक्लियर है। ठीक है, अब कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ये टाइम है ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस का, तो हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इवन जो डेवलपमेंट है उसको कॉस्ट उसके कॉस्ट पर। यानी कि आप लोग देखते हो कि समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी मेन्स में कि आपका जो ये डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट सही है, इन्वायरमेंटल भी इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रही है और डेवलपमेंट आपका बढ़ते जा रहा है, तो इसको आप लोग को कमेंट करनी है। यानी कि क्या आप लोग को लगता है कि ऐसी डेवलपमेंट करनी चाहिए जिससे कि हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो जाए? हम लोग डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं कर रहे, सो इट पॉसिबल कि हम लोग इस चीज़ को जो है लेकर चले, तो इससे क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी, हमारी इंडिया की जो है वो ग्रोथ हो पाएगी? तो इस तरीके का बात होता है। राइट बेस्ड जो फ्रेमवर्क है ना, ये एक कैपेसिटी है
कि हम लोग इसको इंश्योर कर सके, लेकिन तभी तक कर पाएंगे जब तक यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, क्लियरिटी हो पाएगी, पूरी तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू जो है लोग समझ पाए कि यहाँ पे जो लिविंग एंटिटीज दी गई है, लिविंग स्टेटस अगर किसी भी यहाँ पे आपकी आर्टिफिशियल बॉडीज़ को दी गई है तो उनके लिए स्पेसिफिक राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होगी, ये चीज़ अगर क्लियर हो जाए ना तो इस चीज़ को जो है ग्राउंड लेवल पे आपका इंप्लीमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट लेसन, यानी कि यहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट की जो है ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक कल से देखेंगे। तो BEE यानी कि स्टार रेटिंग प्रोग्राम है, और हाँ अप्रैल मंथ की भी आपकी विजन आइज की करंट अफेयर्स आ चुकी है, तो उसको आप मैं इसको पहले मार्च मंथ की कंप्लीट करा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अप्रैल मंथ की पढ़ेंगे। ओके, सो हैव अ लिटिल पेशेंस, पेशेंस रखिए थोड़ा, उसको भी कंप्लीट मैं करा दूंगी। तो स्टार रेटिंग प्रोग्राम है यहाँ पे, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि BEE इट मीन्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इन्होंने स्टार रेटिंग प्रोग्राम को लॉन्च करी है, वो भी डीप फ्रीजर के लिए और लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउज डेज। ओके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ती जा रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो उसी को टैकल करने के लिए यहाँ पे जो है एक स्टार रेटिंग प्रोग्राम होगा, वो भी डीप फ्रीजर के लिए और साथ ही साथ जो लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर है ना उसके लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो स्टैंडर्ड और लेवलिंग प्रोग्राम है ये है क्या। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम जो है इसको फॉर्मुलेट किया गया था 2006 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, और ये जो काम किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है यानी कि चॉइसेस इन्फॉर्म की जाती है कंज्यूमर को, और एनर्जी परफॉर्मेंस का लेवल भी उनको डिस्प्ले किया जाता है, वो भी हाई एनर्जी यूज़ को इक्विपमेंट में, अप्लाइंसेज में, और मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी दिखाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से जो है ना इंडिविजुअल के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर ये चॉइस होता है कि आप किस तरीके का यहाँ पे कोई भी गैजेट खरीद रहे हो तो उसमें एनर्जी परफॉर्मेंस किस तरीके का लेवल लेना चाहते हो। तो एक स्टार रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे रेट जो आपका दिया जाता है वो 1 से 5 तक होती है, वो भी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी है। कहने का मतलब है कि आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी जो खपत होगा वो 1 में होगा। जैसे आप लोग कुछ भी खरीदते हो, एसी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, तो उसमें आप लोग को इस तरीके का जो है ना 5 स्टार आप लोग को देखने को मिलेगा। इवन LED TV वगैरह भी खरीदते हो तो आपको इस तरीके का 5 स्टार देखने को मिलेगा। तो आपको कितने स्टार वाली आप लोग को चाहिए, अगर 1 स्टार ले रहे हो तो इट मीन्स कि आपकी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगी, अगर 5 स्टार वाले ले रहे हो तो एनर्जी कंजप्शन बहुत कम होगी। तो इस तरीके से इसको सजाया जाता है। ओके, इससे क्या है ना कि हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो यहाँ पे इंप्रूव हो पाएगी, लोअर एनर्जी कॉस्ट होगा अप्लाइंसेस का, साथ ही लेवल जो है ना वो एक कॉमन एनर्जी एफिशिएंसी बेंचमार्क प्रोवाइड कर पाएगी, जिससे कि हम लोग एक एसोसिएशन यानी कि दूसरे पॉलिसी मेजर्स के साथ एसोसिएट करके काम कर पाएंगे, जैसे कि प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम होती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होती है, ये सारी चीज़ें। साथ ही यहाँ पे जो है 2 न्यू अप्लाइंसेज को लॉन्च भी किया जाएगा, वो भी वॉलेंट्री रिजिम के अंदर 26 अप्लाइंसेज होगी जो कि इस प्रोग्राम के अंदर आपका कवर किया गया है। तो क्या क्या है देख लीजिए, 10 मैंडेटरी अप्लाइंसेज हैं, यानी कि रूम की जो एयर कंडीशनर होती है, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, आपके यहाँ पे फ्लोरोसेंट लैम्प है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, रूम एयर कंडीशनर है, और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, कलर टीवी है, इलेक्ट्रिक गीजर्स है, और कैपेसिटी इन्वर्टर आपका एयर कंडीशनर है, LED लैम्प्स है। तो ये 10 मैंडेटरी अप्लायंस है जिसमें कि आपकी स्टार रेटिंग होती है। वॉलेंट्री अप्लायंस है यानी कहने का मतलब है कि इसमें लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए स्टार रेटिंग। तो ये है आपका इंडक्शन मोटर, साथ ही पंप सेट है, सेलिंग फ़ैन है, LPG स्टोव्स है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, बैलेस्ट है, इक्विपमेंट है, जैसे कि आपकी प्रिंटर, कॉपीज, स्कैनर, ये सब आ जाती है। फिर उसके बाद डीजल इंजन ड्राइविंग मोनो है, जैसे कि सेट पंप्स है, सॉलिड स्टेट इन्वर्टर है, DG सेट्स है, चीलर्स है, माइक्रो ओवन है, और आपका सोलर वाटर हीटर है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, 10 मैंडेटरी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि किसमें किसमें आप लोग के घर में ये अप्लाइंसेज होंगे तो आप लोग ये बेटर समझ सकते हो। और सबसे बेटर है कि आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी कोई गैजेट खरीदते हो ना तो 5 स्टार वाली रेटिंग ही खरीदिएगा, क्योंकि उससे आपका एनर्जी कंजप्शन कम होगा, आपकी जो बिजली का बिल है ना वो भी कम आएगा। ओके, तो ये तो थोड़ी सी मेरे तरफ से आप लोग के लिए एक सजेशन थी, तो ध्यान रखिएगा एनर्जी कम अगर कंजप्शन होगी तो उससे बहुत बेटर है, हमारी बिजली बिल कम आएगी, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें भी थोड़ा सा लोड कम हो पाएगा। रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, यह है ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल UDIT उदित, ये एक फर्स्ट एवर इनिशिएटिव है जो कि BEE के द्वारा लिया गया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, जिसमें कि डेटाबेस प्रोवाइड किया जाएगा वो भी एनर्जी ई एफिशिएंसी में। WRI की बात करें तो ये एक ग्लोबल रिसर्च नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि USA में है, ये यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सप्लेन करती है एनर्जी एफिशिएंसी लैंडस्केप जो कि इंडियन कंट्री में, वो भी इंडस्ट्री में कितनी है, अप्लाइंसेस में कितनी है, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, म्यूनिसिपल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कितनी है। साथ ही ये शोकेस भी है यानी कि क्या कैपेसिटी बिल्डिंग है ये दिखाती है। न्यू इनिशिएटिव भी यहाँ पे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जिससे कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी डोमेन को यहाँ पे बढ़ा सके। ठीक है, तो उदित के बारे में ध्यान रखिएगा, ये है ऊर्जा दक्षत आपका इन्फॉर्मेशन टूल, यानी कि यहाँ पे आपका एनर्जी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और किस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एनर्जी एफिशिएंसी लैंडस्केप हमारे इंडिया में डिफरेंट सेक्टर में, चाहे आपको म्यूनिसिपल सेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिलेगी आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर की मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की मिलेगी, बिल्डिंग की मिलेगी, अप्लाइंसेस की मिलेगी। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी होती है इन्वायरमेंट के लेसन कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे, आपकी बच गई यहाँ पे साइंस एंड टेक बच गई, सोशल इश्यूज बच गई, ठीक है, और आपकी जो है कल्चर वाली लेसन बच गई है। मार्च मंथ की मैं बात कर रही हूँ, विजन आइस मैगजीन से ही मैं इसको कवर करा रही हूँ, तो उसकी पीडीएफ जो है आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और लास्ट जितनी भी PT 365 की लेसन है तो उसकी भी आपको लिंक जो है ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है रिसोर्स पॉइंट, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही न्यू जो है वो PPT फॉर्मेट में तो आप लोग को यहीं पर अवेलेबल है, ठीक है, तो आप लोग आधा यहीं पर देखिए, लेकिन प्रीवियस है जो कि आपको वहीं पर सारे लिंक मिलेगी, तो प्लीज़ वहाँ पर आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही, अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो यू कैन कमेंट मी, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।